सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया फ्रॉम पंचकुला के द्वारा आज चंडीगढ़ रोज गार्डन में स्काई वॉच यानी कि सितारों से मुलाकात के ऊपर एक प्रोग्राम शुरू किया हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों की भीड़ जो है मौजूद है और लोग जो है सितारों से मुलाकात के इस प्रोग्राम का खूब एंजॉय ले रहे हैं। आइए हम जानना चाहेंगे यहाँ पर मौजूद लोगों से कि वो कैसा फील कर रहे हैं और वो क्या देख पा रहे हैं टेलीस्कोप के माध्यम से सितारों की मुलाकात के इस प्रोग्राम में। तो चलते हैं। वो अभी हमने मार्स जुपिटर एंड सैटर्न देखा, सो इट वॉज वेरी गुड वॉचिंग यू नो प्लैनेट्स। एंड उसके बाद सैटर्न की, सैटर्न वॉज नॉट क्लियर बट अच्छा था देखने में। तो ये पहली बार देख रहे हैं? हाँ, पहली बार देख रहे हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, मतलब अभी आगे साइंसेस लेना है तो इट वुड बी हेल्पफुल के। अभी क्या कर रहे हैं? अभी आई एम इन नाइन्थ। या मेरा नाम सात्विक गर्ग है, आई स्टडी इन गुरुकुल ग्लोबल स्कूल 6C। यहाँ पर क्या करने आए हो? मैं यहाँ पे स्काई का व्यू देखने है सारा। देखा आपने? हाँ, मैं कैसा लगा आपको देखा? अच्छा था। क्या देखा? सैटर्न, मार्स। वेरी नाइस फॉर किड्स आल्सो स्पेशली। आई एम टू द सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम, आई एम सीइंग दिस अगेन एंड अगेन बिकॉज आई एम एक्साइटेड। सो हम लोग बेटे को भी लेके आए यहाँ पे। थैंक यू। इससे पहले मैंने कभी टेलीस्कोप में कोई प्लैनेट देखा नहीं, तो मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस। हाँ जी, फर्स्ट एक्सपीरियंस। जब प्लैनेट देखे तो बच्चे को भी अच्छा लगा, हमें भी अच्छा लगा, एक पुरानी याद ताज़ा होगी। मुझे बहुत अच्छा लगा। पर ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए, फर्स्ट टाइम आई हूँ मैं, वैसे होने चाहिए क्योंकि प्रैक्टिकल से हम बहुत अच्छा सीखते हैं। कैसा लगा आपको देखकर? काफी अच्छा लगा। उत्साह किस में? एक शख्स मौजूद है जो सितारों की मुलाकात के प्रोग्राम में आए हुए हैं। मैं सर से जानना चाहूंगा कि इनको यह प्रोग्राम कैसा लग रहा है। जी क्या बताना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा देखकर, बहुत खुश हो गए हम। अच्छा, तो क्या कहेंगे विज्ञान के बारे में? एक नंबर देते। अच्छा अच्छा जी, तो देखिए ये शख्स हमें एक नंबर दे रहे हैं इस प्रोग्राम के बारे में, और हम चलिए और लोगों से भी जानना चाहेंगे कि वो इस प्रोग्राम के बारे में क्या बोलते हैं, क्या कहना चाहेंगे। बहुत अच्छा। जी बात करते हैं आयसर मोहाली के प्रोफेसर श्री बागला जी से कि वो यहाँ पे आज क्या दिखा रहे हैं पब्लिक को और छोटे बच्चों को। जी क्या बताना चाहेंगे सर? जी आज हम लोगों को तारे दिखा रहे हैं, दिन में नहीं रात को ही दिखा रहे हैं। जी, जी। और अभी सबसे पहले तो उनको कुछ ग्रहों के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले बृहस्पति ग्रह दिखाया, फिर शनि और मंगल, ये तीन ग्रह इस समय दिख रहे हैं रात को इस समय, तो ये तीनों दिखाया हम लोगों ने। रात में और लोग इंतज़ार करें तो 9 बजे के आसपास चांद भी दिखेगा। उसके अलावा कई तारे हैं, नक्षत्र हैं, तो वो सब भी दिखाएंगे। सर यहाँ पर किस तरह के टेलीस्कोप्स का यूज़ किया गया है? जी हमारे पास 5 टेलीस्कोप हैं, ये सारे काफ़ी सिंपल डिज़ाइन के हैं, न्यूटोनियन रिफ्लेक्टर बोला जाता है इनको। न्यूटन ने इस तरह का टेलीस्कोप सबसे पहले बनाया था, ये करीब करीब 325 साल पुराना डिज़ाइन है। सबसे पुराना डिज़ाइन तो गैलीलियो के टेलीस्कोप का है जो कि 409 साल पुराना है, उन्होंने 1609 में पहला टेलीस्कोप बनाया था, तो उसके काफ़ी बाद न्यूटन ने इसको बेहतर किया था। गैलीलियो ने लेंस का प्रयोग किया था और न्यूटन ने मिरर का प्रयोग किया था, और मिरर का प्रयोग करने से जो फोकस वगैरह है वो काफ़ी अच्छा होता है, इसलिए। और ये वाला जो डिज़ाइन है ये इसको इधर उधर ले जाना आसान रहता है, और ये साइज में छोटा होता है हालांकि अच्छी मैग्निफिकेशन दे पाता। मैंने खुद भी देखा तो मेरे को काफी अच्छा लगा। इट्स वेरी गुड। आई माई सेल्फ इज लुकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम सैटर्न एंड पिक्चर्स वी हैव सीन बट ऑफ कोर्स थ्रू द टेलीस्कोप। करते हैं सोसाइटी के प्रेसिडेंट फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी श्री धर्मवीर जी से कि वो जो कि एक रिटायर्ड IAS हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि इस प्रोग्राम के बारे में वो क्या बताना चाहेंगे हम। जी सर क्या बताना चाहेंगे? आज का जो प्रोग्राम आपने रखा है रोज गार्डन चंडीगढ़ में स्काई वॉच यानी कि सितारों से मुलाकात, क्या बताना चाहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में? जनता को टेलीस्कोप्स के माध्यम से जो हमारे ग्रह हैं और चांद है या सितारे हैं उनको दिखाना है। जनता में इन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स को जानने में हमेशा रुचि रहती है, तो इसके बारे में हम उनको दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। तो यहाँ पर 4 टेलीस्कोप लगे हुए हैं, 3 टेलीस्कोप आयसर मोहाली के हैं, एक हमारी सोसाइटी का है। यहाँ पर बहुत सीनियर एक्सपर्ट्स भी हैं, प्रोफेसर्स हैं, हमारी सेक्रेटरी भी एक प्रोफेसर है फिजिक्स में, उनकी भी इसमें बहुत रुचि है, हमारी जनरल सेक्रेटरी हैं।
तो वो भी आज यहाँ पर मौजूद हैं। फैसल मोहाली के दो प्रोफेसर्स हैं जो एस्ट्रोफिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी में काम करते हैं, और उनके कई रिसर्च स्कॉलर्स हैं जो टेलीस्कोप के माध्यम से जनता को एजुकेट कर रहे हैं प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट्स के बारे में, चांद सितारों के बारे में, हमारे मंगल ग्रह, दूसरे ग्रहों के बारे में। तो आज काफ़ी अच्छा टर्नओवर रहा है और ये हमारा पहला एक तजुर्बा रहा है। तो हम चाहते हैं कि हर दूसरे तीसरे महीने इस एक्टिविटी को चंडीगढ़ में, पंचकुला में और हरियाणा के और ज़िले में करें। मैडम प्रोफेसर किया धर्मवीर जी जो प्रोफेसर हैं फिजिक्स पंजाब यूनिवर्सिटी में, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि मैम इस प्रोग्राम के बारे में क्या बताना चाहेंगे जी। मैम ये एक अपने ढंग का यूनिक प्रोग्राम है कि खुले में आके जनता के लिए हमने स्काई वॉच किया। वैसे तो फिजिक्स डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी में टाइम टू टाइम स्काई वॉच प्रोग्राम होता रहता है, तो आज का प्रोग्राम है कुछ ये टाइम है वर्ष का जिसमें काफ़ी ग्रह दिखते हैं, तो आज शनि और मंगल विजिबल हैं। और दिलचस्प बात है कि शनि और मंगल दोनों से ही एस्ट्रोलॉजी जो है डराता है, तो देखते हैं कि जनता कितना डरती है। पर यहाँ इतना उत्साह है लोगों में, लगता नहीं कि कोई डर रहा है। और हम इनके बारे में विस्तार से बता रहे हैं, टेलीस्कोप्स के बारे में भी विस्तार से बता रहे हैं। इसके अलावा सोलर सिस्टम का एक मॉडल हम अपने साथ लाए हैं, हमारे वॉलंटियर्स उसको भी बड़ी अच्छी तरह से समझा रहे हैं, और यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा रुचि ले रहे हैं। और ये हमारा रोज़ गार्डन में दूसरा कार्यक्रम है। इस साल जनवरी के अंत में जो सुपर ब्लू इक्लिप्स मून हुआ था, उस मौके पर भी हमने ऐसा ही कार्यक्रम किया था, और उस मौके पर तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। एक टेलीस्कोप के साथ हमने 600-700 लोगों को हैंडल किया है, और आज भी हमें आशा है कि जैसे जैसे अंधेरा बढ़ेगा और भी ज्यादा हमें लोग आएंगे। लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम करने से लोगों में अवेयरनेस आएगी? इस तरह के कार्यक्रम करने से निश्चित रूप से अवेयरनेस आएगी, और ना केवल स्कूल के बच्चों को, मैं देख रही हूँ कि काफ़ी बुजुर्ग लोग भी आए हैं और काफ़ी जिज्ञासा रखते हैं, और ये सोसाइटी के लिए बड़ी खुशी की बात है कि जनता साइंस के प्रति जागरूक हो रही है। जी थैंक यू मैम, ये मैम ने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी। अब मैं सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर हमारे साथ हैं श्री एम एल गर्ग जी, मैं इनसे भी जानना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम के बारे में क्या बताना चाहेंगे हमें। जी सर क्या बताना चाहेंगे आप? देखो ये बच्चे एक्टिविटी अगर होती रही तो यही बच्चे कल को बड़े साइंटिस्ट बनेंगे, और जो सितारे आज दूरबीन के थ्रू देख रहे हैं वो कल को इन पर रिसर्च करेंगे, जो रिसर्च का यूटिलाइजेशन हमारी सोसाइटी को होगा।